सबने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, क्योंकि 23 तारीख से कम्प्लेन की हुई थी, कोई भी एक्शन नहीं हुआ उस पर। तो DIG साहब के पास जब कल बात की उनसे, उसके बाद ही एक्शन हुआ, उसकी FIR दर्ज हो गई है, बट वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर FIR दर्ज हो गई तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको जेल जाना चाहिए, उधर से भी इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अगर आज उसकी शादी हो गई तो मेरे साथ तो गलत हो जाएगा ना, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। कोई बात नहीं, शादी कर भी ली है तो क्या आगे जो उसके ऊपर धाराएं लगी 376, 384 उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी सजा मिलेगी। आगे लड़की का फ्यूचर, एक लड़की होकर अगर वो लड़की की इज्जत नहीं समझती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, उस लड़की का भी फोन आया था, उस लड़की को मैंने सारी चीजें बताई तो मुझे बोलती है कि ठीक है आप केस कर दो, हम तो शादी कर लेंगे और 5,000 रुपए आपके मुंह पे फेंकते रहेंगे। एक्चुअली हम लोग किसी दूल्हे को रोकने नहीं आए हैं। कल हमारे थाने पर एक कायमी हुई है 376 और 384 की, जो फरियादिया है उसकी तरफ से एक जो आरोप लगाए गए आरोपी के ऊपर। हमें पता चला कि उस आरोपी की अगर आज शादी है ना, हमें उसकी शादी रोकने से हमारा मतलब केस को कोई लेने देने नहीं है, हम सिर्फ उस आरोपी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जो लोकेशन अभी पता चल रही कि शादी है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। अब बिल्कुल करेंगे, यहाँ मिलता है तो करेंगे। परिजनों से भी अभी कुछ बात नहीं पाई है, वो एक्चुअली शादी की तैयारी में बिजी है।